हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इंट्रोडक्टिव पार्ट है स्पीकिंग द पार्ट वन। सो टॉपिक है गया होम दे उत्ते फ्लैट रूम अकोमोडेशन हाउस अपार्टमेंट। सो ये तो रिलेटिव तुहानू कोई भी क्वेश्चन आते हैं तुसी ओदे विच बोल सकते हो। सो ये 9 क्वेश्चन है। सो तुहानू मैं इहदे विच दस्सिया किवें तुसी इलैबोरेट कर सकते हो आपके क्वेश्चन नू, वध तों वध किवें कंपलैक्स सेंटेंस बना सकते हो। सो प्लीज़ गाइज वॉच माई वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन ईजली अंडरस्टैंड एंड डोंट फॉरगेट टू सबसक्राइब माई चैनल। सो फस्ट क्वेश्चन हैगा है वट काइंड ऑफ हाउसिंग और अकोमोडेशन डू यू लिव इन। सो तुसी कह सकते हो आई लिव इन अ हाउस एंड दैट हैज़ अ लिविंग रूम, अ किचन, 3 बैडरूम, 2 बाथरूम्स एंड अ लविंग बैक गार्डन। इट्स नॉट रियली अ स्पेशियस हाउस बट इट्स जस्ट राइट फॉर मी एंड माई फैमिली। सो तुसी एज इट इज़ भी कह सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई लाइन आई एड कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड है हु डू यू लिव विद, तुसी किदे नाल रहने। तुसी कह सिंपली कह सकते हो आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स एंड वी ऑलवेज गैट ऑन वैल एंड विद ईच अदर एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। सो तुसी जे तुसी तुहाडे नाल तुहाडे ग्रैंड पेरेंट्स रहिंदे आ तुसी ओह भी ऐड कर सकते हो इहदे विच। थर्ड हैगा हाउ लोंग हैव यू लिव्ड देयर, सो किन्ने चिर तो तुसी इत्थे रह रहे हो। तुसी कह सकते हो आई हैव लिव्ड देयर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड एंड अंटिल आई ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल एंड मूव टू द सिटी टू इनरोल एट यूनिवर्सिटी एंड वेयर आई लिव्ड इन अ स्कूल डॉर्मिटरी मीनस हों होस्टल दे विच ड्यूरिंग द सेमेस्टर। जे तुसी होस्टल दे विच रहे हो तो तुसी ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप दे वल्लों कोई कुछ लाइन्स ऐड कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है डू यू प्लान टू लिव देयर फॉर अ लोंग टाइम, तो उसी कह सकते हो टू बी ऑनेस्ट आई टेंड टू बाय एन अपार्टमेंट इन एन अर्बन एरिया आफ्टर आई ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आई कैन डेकोरेट एंड डिजाइन माई आइडल होम विद वट एवर फैसिलिटीज़ आई वॉन्ट। सो तुसी आई नहीं लाना इतनी जगह, तुसी माई पेरेंट्स भी कह सकते हो चाहते ने वॉन्ट टू बाय एन अपार्टमेंट या हाउस या फ्लैट, कुछ भी तुसी लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूम डज योर फैमिली स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन। सो तुसी कह सकते हो इट्स डेफिनेटली द ड्राइंग रूम, सो तुसी लिविंग रूम, बेडरूम कुछ भी कह सकते हो। नॉट ओनली लंच और डिनर टाइम एंड बट ऑल अवर फैमिली रीयूनियंस हूँ टीम गैंग, मतलब कि पूरी फैमिली का एक गैंग टेक प्लेस इन द ड्राइंग रूम एंड वेयर ऑल द फैमिली मैंबर्स गैट टूगैदर टू ईट टेस्टी मील्स एंड चैट टू ईच अदर एंड इट्स रियली हारमोनियस एटमोसफेयर, मतलब कि एक एकता वाला एटमोसफेयर बन जाए, सारे इकट्ठे होकर बहते, यदा मतलब ये है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन हैगा आर द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू योर होम वेरी गुड। सो तुसी कह सकते हो टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू माई प्लेस आर नॉट वेरी मॉडर्न। द बस सर्विस फ्रॉम माई स्कूल कॉलेज वर्क, तुसी जो भी करते हो लिख सकते हो, टू होम इज़ इरेगुलर एंड यूजली ओवर क्राउडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू प्रैफर लिविंग इन अ हाउस और अ फ्लैट। तुसी कह सकते हो आई प्रैफर लिविंग इन अ हाउस बिकॉज आई वैल्यू माई प्राइवेसी एंड नीड माई ओन स्पेस। ओवनिंग एन इंडिपेंडेंट हाउस एंड आई कैन प्लान एंड डिज़ाइन अ हाउस लेआउट टू सूट माई सेल्फ। मोर ओवर आई कैन मॉडिफाई अ हाउस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली। सो तुसी एज इट इज़ भी लिख सकते हो, अपने वालों कोई ऐड भी कर सकते हो। सो ये तुहानू पूरा तुहाडी कोई भी रेपुटेशन नहीं होगी क्लास की, सॉरी तुहाडी रिपीट नहीं होगा, कोई भी लाइन कोई रिपीट नहीं होगी और तुहानू आइडियाज़ भी काफ़ी मिलेंगे जो तुसी ये देखते हो। एंड एट्थ हैगा प्लीज़ डिस्क्राइब अ रूम यू लिव इन। तो तुसी कह सकते हो वेल माई करंट रूम इज़ अ multi-purpose room. I use it to sleep and study as well. It is painted in pink and that's my favorite color with a bed and a cupboard desk and it's not really spacious but it's just right for me. So last question hai, what part of your house do you like the most? So this kaise the I prefer my bedroom most due to its convenience and privacy. बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेसफुल स्टडी और वर्क जो तुसी करते हो
आई वॉन्ट टू बी इन अ क्वाइट प्लेस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडी और वर्क एंड इन माई ओन रूम आई एम नेवर डिस्टर्ब्ड बाई एनी वन एल्स मोर ओवर इन माई ओन स्पेस आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट विदाउट बॉदरिंग अदर्स सो थैंक यू गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड कमेंट आल्सो as well as give your suggestions so that I can improve my thoughts. So bye bye, take care.